हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एसएससी सीएचएसएल अभी जो 10+2 का वैकेंसी रिलीज हुआ है उसमें एक नया चीज़ दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि अभी एक महीने से एसएससी दे रहा है। एसएससी जेई और स्टेनोग्राफर में भी एसएससी ने यही दिया है कि आपका जो फोटोग्राफ अपलोड होगा उस पर आपका डेट प्रिंट होना चाहिए क्लियरली। वो आपको अपलोड करना होगा, बॉटम साइड में आपका डेट प्रिंट होना चाहिए। ये चीज़ वहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ तौर पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन। और आप जब अपलोड भी कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आ रहा है। पहले तो एसएससी जेई और आपका जो स्टेनोग्राफर हुआ उसमें तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गया, कुछ लोगों का रिजेक्ट भी हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सीधे पॉइंट पर आके कि आपका फ़ोटो रहना कैसा चाहिए और वो कैसे कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू ही। आपको किसी भी लैपटॉप या पीसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास अगर लैपटॉप पीसी है तो अच्छी बात है, उससे भी आप कर सकते हैं ईजिली। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन है तो आप उससे कैसे कर सकते हैं। आपको उसमें दो ऐप की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ नहीं, और आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस आपका हो जाएगा। सो मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ कि कैसा आपका फॉर्मेट रहने वाला है, ताकि आप यूज़ कर सके खुद भी अगर आप करना चाहें। सो देख सकते हैं आप, ये आपका फॉर्मेट रहने वाला है जो भी आपका फोटोग्राफ होगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ बॉटम पे आपका डेट प्रिंटेड है, यहाँ पे अक्टूबर का डेट लिखा हुआ है, 10 अक्टूबर 2020। सो आपको भी, आप अगर 3 महीना पुराना, आपको उससे कम होना चाहिए। सो आप सेफ साइड में रहिए और अक्टूबर का दे दीजिए। नवंबर का मत डालिएगा अभी, क्योंकि नवंबर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अभी नवंबर का अपडेट नहीं ले रहा है, जबकि नवंबर का लेना चाहिए था। सो आप अक्टूबर का डाल सकते हैं। सो अब ये जो आपको करना है, बॉटम में लिखना है, आपको देख सकते हैं आप, ये फॉर्मेट ऐसे रहना चाहिए। आपको डैश नहीं स्लैश देना है, जो यहाँ पे 10-10 लिखा हुआ आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसका साइज़ भी, इस साइज़ आपको कितना रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स में जाके, तो साइज़ आपका 40 KB है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो आपको 40 KB रख देना है मिनिमम। आपका 20 to 50 मांगा है, तो आपको 40 KB रख सकते हैं। अब ये करना कैसे मोबाइल फ़ोन से, वो मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो में थोड़ा रोटेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, तो ध्यान देंगे, क्योंकि कुछ ऐप जो होते हैं वो रोटेट नहीं होते हैं, सो इसलिए ऐसा हो सकता है। सो अब स्टार्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं आप ये पे, ये एक ऐप है पिक्सल ऐप करके, इसको आपको यूज़ करना है। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो वहाँ से आप इसे यूज़ कर सकते हैं काफ़ी ईजिली, आपको हमेशा काम आएगा किसी भी चीज़ के लिए एडिट करने के लिए। देख सकते हैं आप, ये प्ले स्टोर पर ये मिल जाएगा, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब एक और चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ, एक ऐप है जिसका नाम है क्यू रिड्यूस लाइट, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे, ये आपका क्यू रिड्यूस लाइट ऐप है, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना। ये भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इसका सिंपल सा इंटरफेस है। ये आपको काम करेगा साइज़ को रिड्यूस करने में, आपको हमेशा काम देगा ये ऐप साइज़ को रिड्यूस करना है। तो ये ज़्यादा नहीं कर सकता, कम कर सकता साइज़, आप जो भी साइज़ मारेंगे वहाँ फ़ोटो चूज़ करके आपका साइज़ को रिड्यूस कर देगा KB में। सो ये काफ़ी यूज़फुल है। सब स्टार्ट कर लेते, करना कैसे आपको मैं आपको बता देता हूँ। सो एक बात और, जब आप इसे क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये अपलोड हो गया रहेगा, जैसा कि यहाँ पे डेट, तो ये सक्सेसफुल अपलोड हो चुका। आपको कोई भी एरर शो नहीं कर रहा, ना ही आपको साइज़ का और ना ही आपको डेट का वैसा कुछ। सो आप एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपको डेट इस बार यहाँ पे मेंशन भी करना है। एसएससी जेई और स्टेनोग्राफर में ये नहीं था, लेकिन ये न्यू ऐड किया गया, ताकि आपको डेट वाला प्रॉब्लम आप देख के जाए, आप गलत फील ना करें। सो यहाँ पे आपको डेट चुन लेना है। डेट आप ध्यान रखेंगे, आप जो डेट आप यहाँ पे प्रिंट किए वही डेट डालेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपके रिजेक्शन के चांसेस है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे डेट डाला है 2020 का, सो आप यहाँ पे 2020 का डाल दीजिएगा डेट, और 10-10 का। सो आपको उसी हिसाब से अपना मंथ यहाँ पे चुन लेना है। तो यहाँ पे मैंने अक्टूबर डाला है, तो अक्टूबर, और यहाँ पे 10 अक्टूबर, तो 10 अक्टूबर 2020 देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैच हो जाना चाहिए। और यहाँ पे ये यस आपको मार्क करना है कि आपका जो डेट डाला है वो क्लियरली मेंशन है या नहीं। सो यहाँ पे आपको यस कर देना है। अब स्टार्ट कर लेते हैं कि आपको ये करना कैसे है। सो इस बात का ध्यान देंगे कि ये होना ज़रूरी है, इसके साथ ही ये भी मैच करना चाहिए सेम चीज़ में। सो ये, और यहाँ एरर शो नहीं करना चाहिए। अब ये जो आपको साइन वाला चीज़ है, तो साइन सभी के पास होगा जो रिड्यूस किया रहेगा, अगर नहीं रिड्यूस किया हुआ है। सो फोटो को आप डायरेक्टली वो क्यू रिड्यूस ऐप जो मैंने आपको दिखाया वहाँ से साइज आप रिड्यूस कर सकते हैं, वो भी अभी डिस्कस करेंगे इसी में, जबकि इसका साइज़ रिड्यूस करूँगा। सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उससे आपको पिक्सल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मैंने डाउनलोड कर लिया, तो मैं ओपन कर लेता हूँ। सो ये ओपन हो जाएगा, आपको परमिशंस मांगेगा, आपको अलाउ कर देना है। देख सकते हैं आप, ये इसे अलाउ कर दिया। अभी जो आपका आ गया है, जैसे कि मैं आपको रोटेट कर लेता हूँ, क्योंकि आपके में भी रोटेट होकर आएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब आपको क्या करना है, ये जो न्यू टेक्स्ट आया है इसको आपको यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं आप राइट लेफ्ट कॉर्नर पे, इसको आपको डिलीट कर देना है यहाँ से। सो ये डिलीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है, जैसे ये स्क्रॉल हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में आपको ऑप्शन है मेन्यू के। सो आपको यहाँ पे जाना है 4th वाले ऑप्शन में,
यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम गैलरी, आपको गैलरी पे क्लिक करना है और आपको फोटो अपना सेलेक्ट कर लेना है। सो स्टार्ट कर लेते हैं, आपको यहाँ पे गैलरी पे क्लिक कर देना है। सो आपका जो भी फोटो हो, जैसे कि मेरे केस में मैं एक ऐसे ही आइकन ले ले रहा हूँ, सो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे कि ये मेरा फोटो है, सो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि आपका जो भी फोटो हो, लड़का या लड़की जो भी, सो आपको ध्यान रखना है जो आपको डेट लिखना है वो आपको नीचे टी शर्ट पे होना चाहिए, जो भी है उसके एकदम नीचे नहीं होना चाहिए और एकदम ऊपर भी नहीं, आपको नॉर्मली लिखना है, जैसे कि रेलवे ALP के टाइम पे भराया गया था। अगर किसी ने फिल किया है तो वो भी वीडियो देख सकता है सो सर्च करके यूट्यूब पर। सो यहाँ पे आपको जाना है, अब देन यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको स्क्रॉल कर लेना, आपका फोटो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे जैसे ही आप क्लिक कर लीजिएगा, आपके सामने यहाँ पे सेव जो फोर्थ वाला ऑप्शन है यहाँ दिख रहा है आपको, सो इस पर आपको क्लिक करना है। सेव पे क्लिक कर लेने सामने आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा व्हाइट कलर का, इसको आपको नीचे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पॉइंट है ब्लैक कलर का, पॉइंटर से आपको इसके विथ को कम कर लेना है और यहाँ से आप इसे खींच सकते हैं, खींच के लंबा कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पे नीचे ला के यहाँ पे छोड़ देना है। अब ध्यान देना है कि आप इसको ऐसे एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा कि आपका टी शर्ट वी शर्ट बराबर हो जाए और यहाँ पर भी आपका जो आपको डेट भी लिखना है वो भी उतना में हो जाए, ना कि ज़्यादा बड़ा कर दीजिएगा ना कि ज़्यादा छोटा, क्योंकि आपका फेस भी दिखना चाहिए और आपका फोटो भी अच्छे से दिखना चाहिए। सो आपको यहाँ पे इतना बड़ा जैसे मैंने दिखाया ऐसा आपको सही रहेगा, ऐसा अगर आप कीजिएगा तो। थोड़ा एडजस्ट में टाइम लगेगा लेकिन आप कर सकते हैं, फोटो का आप देख लीजिएगा, ना कि आप इस कॉर्नर पर टेढ़ा मेढ़ा कर दीजिएगा, ना उस कॉर्नर पर और ना ही एकदम नीचे। अब जैसे ही आपका ये एडजस्टमेंट क्लियर हो जाता है, आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है, जो राइट टिक दिख रहा है आपको साइड में, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो चुका है। अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट ऐड करना है जो कि आपको डेट रहेगा। सो आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सेकंड ऑप्शन में एक कलर का दिख रहा है ये, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ से आपका टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। सो देख सकते हैं आप यहाँ पे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट आ चुका है। इसको आपको यहाँ पे ले आइए ताकि आपको दिखे, तो यहाँ पे आप लाइए और इसको बड़ा कर लीजिए खींच के, कॉर्नर से खींचने से ये बड़ा होगा और मान के चलिए आपका ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं ये टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा हो सकता है, और यहाँ से आपको खींचेगा तो नहीं बढ़ेगा, ये कॉर्नर से ही बढ़ेगा। सो आपको यहाँ पे जाना है, ऐसे करके आपको यहाँ पे लगा देना है। अब यहाँ पे आपको क्लिक करते साथ आपको करना क्या है, इस पर आपको डबल टैप करना है। जैसे ही आप डबल टैप कीजिएगा आपको ये स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेक्स्ट। सो आपको यहाँ से बैक प्रेस करके ये पूरा हटा देना न्यू टेक्स्ट, और आपको यहाँ पे डेट ऐड करना है। सो मेरे केस में ये 10 अक्टूबर मैं लिख रहा हूँ, सो आप भी लिख सकते हैं क्योंकि ये आपका एलिजिबल है 2020। ध्यान देंगे ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ फोटो प्रिंट है। सो बहुत लोग डेट लिखते समय अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं क्योंकि उनको वही आदत है। सो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये 2020 लिखिएगा और 10 अक्टूबर, सो इस बात का ध्यान देंगे। और यहाँ पे आपको ओके पे यहाँ पे राइट कॉर्नर पे यहाँ पे आपको ओके क्लिक कर देना है, और कुछ नहीं, आपको डेट लिख के इधर उधर एंटर नहीं, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा ये बड़ा हो गया, तो आपको इसको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको इसको स्क्रॉल करके थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। अगर आपको छोटा करना है तो आप यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे आपको ताकि ये अच्छा दिखे इसको आपको एडजस्ट कर लेना है। अब ध्यान देंगे इसको आपको एडजस्ट ऐसा करना है ताकि आपका डेट जो है वो मिडिल में भी आ जाए और ऊपर नीचे भी ज़्यादा ना रहे। सो देख सकते हैं आप ये एडजस्ट हो चुका है, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन आपको ना लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी ना पीसी ना कैफे की, आप मोबाइल में ही खुद से कर सकते हैं ये सारा कुछ। और फॉर्म फिलअप जो करना है वो भी आप मोबाइल में कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बता दूंगा कैसे, आपको कभी भी पीसी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से मांगने या कुछ के। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा कुछ हो चुका है, आपको यहाँ पे आप सेव कर लेना है। अब ध्यान देंगे आपको यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, मैं आप यहाँ पे दिखा रहा हूँ पॉइंटर, सो यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं, साथ ही यहाँ से भी। सो सिंपल से बात है, यहाँ पे आप शेयर पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ सेव टू गैलरी पे आप यहाँ पे देख सकते हैं JPG फॉर्मेट में सेव टू गैलरी पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेव हो चुका है, सो ये हो चुका है। अब ये आधा काम हुआ है, अभी आपका ये साइज रिड्यूस नहीं हुआ। मान के चलिए आपने फोटो खिंचाया तो वो 2 MB 3 MB का हो या फिर आपका 400-500 KB का हो, सबको रिड्यूस करके उसको 20 KB से 50 KB के बीच करना है। सो उसे अभी करना बाकी, वो भी आपको मोबाइल फ़ोन से ही करना है। सो वो कैसे कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ। अब आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं क्यू रिड्यूस लाइट करके, इस ऐप को आपको ओपन कर लेना है। जैसा कि मैं इससे आपको साइज रिड्यूस करना है उस फाइल का जो ना आपने अभी बनाया है फोटो पे लिखा हुआ टेक्स्ट। सो अब आपको अपने गैलरी में आ जाना है जहाँ भी आपका फाइल सेव हुआ होगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे फाइल सेव है। इसे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको शेयर पे चल जाना है, आपके फ़ोन में कोई भी फीचर हो चुका है तो आपको ओपन कर लेना है सिर्फ क्यू रिड्यूस लाइट से। आप स्क्रॉल करके ऐसे भी करके चेक कर सकते हैं कहाँ आपका क्यू रिड्यूस लाइट है, मेरे केस में आप देख सकते हैं यहीं पर है क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। सो इसे आपको ओपन कर लेना है यहाँ से।
देख सकते हैं आप ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे आपको एक्सेस मांगेगा, इसको अलाउ कर देना अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको 40 KB लिख देना है। मांगा तो किया है 20 to 50 KB, लेकिन आपको 40 KB लिख दीजिए, आपका यहाँ पे अच्छा रहेगा, उसके बीच में रहेगा। आपको यहाँ पे स्टार्ट कर देना डायरेक्ट, कुछ नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुरंत यह कन्वर्ट हो जाएगा आपको। आप इसी तरह अपना सिग्नेचर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली आपको फाइल चूज़ करना है और कितना के बी में चाहिए वो कर दीजिए, कोई भी फॉर्म आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऐप है इसके लिए यूज़ करने के लिए आपको, हालांकि आपको फॉर्म भरने के लिए तो बेस्ट है लगभग। सो यहाँ पे आप कन्वर्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब कन्वर्ट ये कहाँ हुआ, तो गैलरी में आप खोज सकते हैं, गैलरी में आपको मिल जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये नया आ गया है, क्यू रिड्यूस लाइट नाम का फोल्डर में, देख सकते हैं आप यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखा हुआ है, ये पिक्सल ऐप। सो यहाँ पे साइज बड़ा वाला था और ये अब छोटा हो चुका है। सो अब यहाँ पे इसका साइज़ चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे साइज़ देख सकते हैं आप 40 KB के आसपास बना हुआ है, तो ये अपलोड हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आपको यहाँ पे प्रेस कर लेना बैक और देख सकते हैं ये फोटो आपका रेडी है पब्लिश होने के लिए, वहाँ पे आप डाल सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको सेम फोटो। सो आपको यहाँ पे ओपन कर लेना अपना ब्राउज़र, मान के चलिए कि आपको अपना फोटो नहीं मिल रहा है, तो ध्यान देंगे वो फोटो आपका क्यू रिड्यूस लाइट करके फोल्डर बना हुआ इंटरनल मेमोरी में, वहीं पर मिलेगा आपको, या फिर आपको गैलरी में रिसेंट टैब में मिल जाएगा, और आपको पिक्सल लैब में भी फोटो मिल जाएगा जो कि पिक्सल लैब नाम का फोल्डर में बना होगा इंटरनल मेमोरी में। सो इस बात का ध्यान देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा खोजने में। सो अब यहाँ से आपको चूज़ फाइल कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ फाइल, और यहाँ पे आपको डेट भी डालना है वो फाइल का। सो देख सकते हैं आप पे, थोड़ा सा रोटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है वीडियो में क्योंकि ये रोटेट हो रहा है कभी इधर कभी उधर। सो आपको इस बात का ध्यान देना होगा। अब आपको यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक कर लेना है, हो सकता है आपके फ़ोन में कोई भी फीचर हो तो यहाँ पे ब्राउज़र वाला जो फीचर उसको एक्सप्लोर कर लेना है आपको। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ब्राउज़ करने के बाद आपको गैलरी पे अपना ओपन कर लेना है, गैलरी आपका खुल जाएगा। गैलरी में आप देख सकते हैं क्यू रिड्यूस लाइट वाला जो रहेगा आपको, इससे सेम टू सेम आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है क्योंकि आपका, या फिर इसे आप अलग फोल्डर में रखना चाहे बाहर में आपके सहूलियत के लिए तो अभी आप रख सकते हैं जो भी, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो फाइल खोजने में जब आप अपलोड करें। सो आपका फोटो यहाँ पे बन जाएगा, अब आपको उस पर क्लिक कर देना है, देख सकते हैं आप यहाँ पे फोटो अपलोड हो चुका, कोई भी आपको यहाँ पे एरर शो नहीं कर रहा और यहाँ पे डेट भी प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको डेट यहाँ पे आपको डाल देना है, जैसे कि आपने यहाँ पे जो डेट डाला आपने 2020 तो है लेकिन नवंबर नहीं है, सो आपको यहाँ पे अक्टूबर कर लेना है और आपका 10। ध्यान देंगे जो डेट यहाँ डालेगा वही डेट यहाँ डालिएगा, और यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है क्योंकि आपने सेम डेट डाला है। अब यहाँ पे आपको साइन अपलोड करना है तो साइन आप कर सकते हैं साइज रिड्यूस करके, जो भी आपको बोला गया है, हालांकि 10 से 20 KB साइन है। सो आप 20 KB अगर आपको रिड्यूस करना है तो क्यू रिड्यूस लाइट में आप यहाँ पे 15 KB लिख दीजिएगा, या सो आपका काम हो जाएगा 16 KB लिख दीजिएगा तो उसके बीच में आपका आ जाएगा, वहाँ से आप चुन के यहाँ पे फाइल कर सकते। मेन तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पे था, ये आपका सॉल्व हो चुका है। अब आप यहाँ पे अपलोड करिएगा, आराम से अपलोड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। सो अब एक बात और, किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे हाइट विथ जो लिखा हुआ 3.5 × 4.5, सो इसका कोई मसला नहीं, यहाँ पे ये सब दूसरे फॉर्म में होता है जिनका आपको रेजोल्यूशन पे ध्यान देना पड़ता है, लेकिन SSC में ऐसा कुछ नहीं है। NPCIL फॉर्म में उसमें इसका ज़रूरत है, सो उसके भी एक अभी पता चल जाएगा आपको कैसे करना है, उसका भी आपको इसी से आप कर सकते हैं इसी ऐप के थ्रू। सो अभी के लिए आप SSC यहाँ पे आप कर सकते हैं, इसी फोटो का आप यूज़ इसी तरह से आप यूज़ करके आगे भी SSC के जितने भी फॉर्म आने वाले, जो MTS होगा या GD जो भी अभी निकलने वाले नेक्स्ट ईयर, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि SSC CGLB जो भी आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे ही। बस ध्यान दीजिएगा आपको बार बार डेट चेंज करना हो क्योंकि 3 month ओल्ड बोला है, सो उस बात का ध्यान दीजिएगा, 3 month से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो आपका जब नोटिफिकेशन पब्लिश हो उसे 1 महीना पुराना वाला डेट डाल सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, सो इस बात का ध्यान देंगे हमेशा। और अभी SSC अभी कुछ कुछ बदलाव कर रहा है तो आप उस बात को ध्यान देकर फॉर्म भरिएगा, जल्दबाजी ना कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।